वी वॉन्ट अमन। मैं बैठ जाता हूँ गाइस कल से, ठीक है? कल से मैं बैठ जाता हूँ एंड ये लोग चारों खेलेंगे, वो बेस्ट होगा। यू नो वॉट वी आर डूइंग गाइज, एक टीम सिनर्जी नाम की चीज होती है जिसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। और मेरा कोई रोल नहीं है फिर टीम में, अगर मेरे को अमन को लेना है बिकॉज वो हमने डिस्कस की है। आप लोग अगर इफ यू वॉन्ट अस टू गो आपके हिसाब से, नो प्रॉब्लम, कल मैं अमन को डाल दूंगा, बट मैं बैठूंगा, मैं नहीं खेलूंगा कल। क्योंकि अगर मैं खेलूंगा और अमन भी खेलेगा तो टीम में वो रोल फुलफिल नहीं होता है टीम का जो हम लोग चाहते हैं, जो हम लोगों ने डिस्कस किया आपस में। आ गया, आप लोग का डिसीजन है, देख लो। मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा होता है कि कल से मैं बैठता हूँ, अमन खेलेगा बिकॉज टीम के रोल्स के हिसाब से हम लोगों ने उसको रखा है, अमन को वहाँ पे। एंड अमन खेलेगा हमारे साथ, नो डाउट वो खेलेगा या नहीं खेलेगा ऐसा नहीं है, बट एक टीम सिनर्जी हम लोग को पहले बिल्ड करनी है। अगर वो टीम सिनर्जी बिल्ड नहीं होगी तो पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग बार बार सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इफ आपको पता नहीं है तो आप जाके पीएम पीएम सीओ देख लो, जिन जिन टीम्स ने बार वहां पे बार जगह चेंज किया जी था, दे होगा। हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ इश्यूज बिकॉज टीम चेंज करना बार बार प्लेयर को, इट्स नॉट नेसेसरी। एंड अगर टीम प्लेयर बार बार चेंज करेंगे तो बहुत इश्यू होगा टीम को, बिकॉज एक सिनर्जी बनेगी ही नहीं। अमन का रोल अलग है, मेरा रोल अलग है, एंड रेगा का रोल अलग है, सांगवान का रोल अलग है, वाइपर सबका अलग अलग रोल्स है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कैसा चलता है, और आप कोई भी स्पोर्ट में देख लीजिए कि एनालिसिस करनी पड़ती है और फिर ही जाके होता है। बेंच रहेगा ऑन व्हाट बेसिस, आप क्या किस बेसिस पे बोल रहे हो बेंच करो इसको उसको एक्स वाई जेड को, किस बेसिस पे? जस्ट बिकॉज आपको 4 गेम में एक बंदे का परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है इसलिए? हम लोग पूरा सेमीफाइनल सोल नहीं खेलता है अच्छा आपका, मैं सिर्फ पहले की बात कर रहा हूँ। पूरा सेमीफाइनल्स हम लोग मर मर के, इनफैक्ट क्वालिफायर्स भी हम लोग मर मर के क्वालिफाई होते हैं, पूरा टीम ही बैठ जाता है फिर, वही करते हैं ना, फिर पूरा टीम बैठ जानी चाहिए इसका मतलब है। गाइज आप लोग बोल रहे हो बेंच वाइपर और सांगवान, एंड मैं क्यों बेंच ना हूँ? क्योंकि आप मुझे देखना चाहते हो, दैट इज, कोई भी बेसिस पे आप लोग नहीं बोल रहे हो ये चीज़। मैं बेंच हो जाता हूँ बिकॉज मैं रोल फुलफिल नहीं करूंगा अगर अमन आता है तो मैं बेंच हो जाता हूँ, लेकिन आप लोग उसके लिए नो बोल रहे हो बिकॉज आप मुझे देखना चाहते हो, बट ऐसे नहीं होता है ना गाइस। एंड ऐसा नहीं है कि हम लोग अमन, आप लोग को पता नहीं है कितना इनपुट दे रहा है हम लोग को, अमन का बहुत हाथ है हम लोग को इनपुट देने में कि कैसे करना है क्या करना है। जो भी हम लोग जरा सा भी एग्रेशन दिखा रहे हैं वो अमन की वजह से ही दिखा रहे हैं एक तरीके से। इफ अमन नहीं होता तो हम लोग अपने पुराने गेम स्टाइल पे ही स्टिक रहते हैं एक तरीके से, अगर बोला जाए तो। हम लोग फायर मैन है, ब्रेन जो जो बंदा वो पर्टिकुलर मैच नहीं खेल रहा है उसका ब्रेन सबसे ज्यादा चलना चाहिए, एंड वो चीज़ हो रही है यहाँ पे, दैट्स द रीजन वाई वी आर एबल टू चेंज आर गेम प्ले। थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं हम लोग, एंड आई एम प्रिटी श्योर कुछ दिनों में और आप लोग को वो चेंज